हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कन्वर्जन एपीआई सेटअप कर सकते हैं आप अपने इवेंट मैनेजर में। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं कि पिक्सल्स और कन्वर्जन एपीआई में क्या डिफरेंस होते हैं, क्यों आपको कन्वर्जन एपीआई की जरूरत पड़ती है। पिक्सल्स यूज करते हुए भी आपको कई ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पर पिक्सल्स कमजोर हो जाता है, आपकी ट्रैकिंग अच्छे से नहीं हो सकती है, कई ऐसे डिवाइस और ऑडियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल्स की मदद से। उसी को ओवरकम करने के लिए आपको कन्वर्जन एपीआई दिया जाता है। आप अपने इवेंट मैनेजर में जिस तरह से पिक्सल्स को सेटअप करते हैं, उसी तरह से आप यहां पर कन्वर्जन एपीआई भी जरूर सेटअप कर लीजिए ताकि प्रॉपर टारगेटिंग कर सकें, रीटारगेटिंग कर सकें, आपको इवेंट का पता चले कि आपकी वेबसाइट पर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि आखिर पिक्सल्स के होते हुए भी हमें कन्वर्जन एपीआई की क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या सिचुएशन आई कि पिक्सल्स के बाद हमें कन्वर्जन एपीआई भी लगाना जरूरी है। जहां पर आपका पिक्सल वर्क नहीं करता वहां पर कन्वर्जन एपीआई आपके लिए वर्क करता है। इसके लिए मैं लास्ट वाली वीडियो में डिटेल आपको समझा चुका हूं क्या डिफरेंस है फेसबुक और कन्वर्जन में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करा है, तो शायद आपको ये बैकग्राउंड नहीं पता होगा कि कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल्स क्या है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। बाकी आपको डिटेल से जानना है तो इस पूरे फेसबुक प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फेसबुक एड्स से रिलेटेड, और यहां से आप स्किल सीखकर एज ए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप खुद ही अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक एड्स की मदद से। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पिक्सल्स के होते हुए भी हमें कन्वर्जन एपीआई की जरूरत पड़ गई। आप जब भी कोई एड रन करते हैं, चाहे वेबसाइट ट्रैफिक हो या सेल्स कैंपेन हो, तो आप अपने वेबसाइट पर एक पिक्सल्स लगाते हैं। पिक्सल्स आपकी हेल्प क्या करता है कि ये पिक्सल है, यहाँ पर कुछ आईडी होती है, आपको कुछ आईडी मिलते हैं 1, 2, 3 इस तरीके से, उसे आप अपनी वेबसाइट, ये है आपका वेबसाइट, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट है या किसी भी टाइप की वेबसाइट है, तो जो यूजर होते हैं वो आपकी वेबसाइट्स पर आते हैं। आप एड मैनेजर से एड रन करते हैं, एक यहाँ पे एड फायर करते हैं और ये यूजर आपके वेबसाइट्स पर आते हैं, और यहाँ पर आकर वो कोई ना कोई एक एक्टिविटी करता है, या तो वो एड टू कार्ट करेंगे, परचेज करेंगे, पेज व्यू करेंगे, आपके अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, या फिर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो हो सकता है वो आपका पीडीएफ डाउनलोड करे, आप कोई ब्रोशर्स डाउनलोड कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपका लीड फॉर्म सबमिट करे, आपको डिटेल दे अपना। यानी कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो कोई ना कोई इवेंट करता है, उसी इवेंट को ट्रैक करने के लिए हम अपने पिक्सल्स को इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इस पिक्सल से हमें डाटा मिलता है एड मैनेजर में, यानी इवेंट मैनेजर में, और वहां हम देख पाते हैं कि जो क्या है, कौन सी यूजर है, वो किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने लोगों ने एड टू कार्ट करा, कितने लोगों ने वहां पर परचेज करा, कितनों ने पेज व्यू करा, कितनों ने लीड फॉर्म सबमिट किया, जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे इवेंट सेटअप करते हैं और उस इवेंट को ट्रैक करते हैं। फिर बाद में इसी ऑडियंस को, ये जो विजिट करा था आपकी वेबसाइट पर, इसी को आप रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट पिक्सल का। अब बात कन्वर्जन एपीआई की क्यों आई। कुछ ऐसे सिचुएशन थी जिसकी वजह से कन्वर्जन एपीआई को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा फेसबुक को, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। कन्वर्जन एपीआई का क्या मतलब होता है, अभी लास्ट के कुछ सालों में एप्पल ने क्या करा, एक अपडेट लाया है iOS 14। वैसे वो बहुत सारे अपडेट लाते रहते हैं अपने यूजर के लिए, उसके एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। ये एप्पल का तर्क है कि वो iOS 14 इसलिए लाया है ताकि उसके यूजर को, वो डाटा को वो सेफ रख सके, उनके लिए अच्छा है ये। लेकिन इससे फेसबुक को क्या प्रॉब्लम है, फेसबुक को ये प्रॉब्लम हो गई कि iOS 14 की मदद से क्या कर सकते हैं, जो आईफोन यूजर है, वो आईफोन यूजर है, जब भी वो आईफोन यूजर किसी भी ऐड को देखते हैं, ऐड पर क्लिक करके वो किसी वेबसाइट पर जाएंगे, उसके सामने क्या होता है, एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कि आपके डाटा शेयर किया जाएगा या आपके इवेंट क्रिएट हो जाएगा, क्या आप इसे ब्लॉक करना चाहते हैं पिक्सल्स को। आपकी वेबसाइट पर पिक्सल लगा हुआ, आप एडवर्टाइजर हो, आपने किसी आईफोन यूजर को टारगेट कर लिया, आपकी वो ऑडियंस है, तो अब क्या होगा कि जब भी यूजर जो है, जो आईफोन यूजर है, वो उसके फोन में जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन होगा तो उसको बता दिया जाएगा कि इस वेबसाइट पर पिक्सल्स लगा हुआ है और यहां से आपकी इवेंट को ट्रैक किया जा रहा है, क्या आप चाहते हैं इसे ब्लॉक करना। तो मोस्ट ऑफ द जो आईफोन यूजर है वो इसे ब्लॉक कर देते, वो नहीं चाहता कि उनका जो है इवेंट ट्रैक हो। अब इससे क्या नुकसान हुआ, जो एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर को पता
पता ही नहीं चल रहा है कि जो कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, उसे हम कैसे रिटारगेटिंग में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाटा तो फ्लो ही नहीं हो रहा हमारे वेबसाइट से हमारे इवेंट मैनेजर में। इस वजह से प्रॉब्लम आई और फेसबुक को ऐसा लगा कि अगर एडवर्टाइजर के सामने ये प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आएंगे, क्योंकि फेसबुक की मदद से फिर तो आप आईफोन यूजर को टारगेट ही नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे ब्लॉक का सिस्टम आ चुका है। इसीलिए उसने कन्वर्जन एपीआई को इंट्रोड्यूस करा कि कन्वर्जन एपीआई की मदद से आप इजीली आईफोन यूजर को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसे डिवाइस जिसमें iOS 14 का अपडेट है उसे भी आप टारगेट कर सकते हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे पिक्सल्स लगा हुआ है और उसकी इवेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्यों पिक्सल कमजोर पड़ गया है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए और उसकी जगह किस तरीके से हम स्ट्रांगली रिटारगेट करने के लिए, इवेंट को देखने के लिए हम कन्वर्जन एपीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं आपको एक रनिंग कैंपेन है वहां पर लेके चलता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं एक पिक्सल सेटअप है, यह आपको यहाँ पे पिक्सल आईडी दिख जाएगी, ठीक है, ये पिक्सल आईडी है और मेरा इस वेबसाइट पर ये जो पिक्सल है वो लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसकी इवेंट आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे ऑल एक्टिविटी है, यहाँ पर कितने बजे किस लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी करा, किसने पेज व्यू करा, किसने सब्सक्राइब करा, किसने कॉन्टेक्ट फॉर्म्स है वो डिटेल भरा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जब पिक्सल सेटअप होता है आपकी वेबसाइट पे तो पिक्सल जो डाटा ट्रैक करता है वो ब्राउजर के थ्रू यहाँ पे डाटा ट्रैक करता है, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन मेथड क्या है, ब्राउजर। लेकिन जब आप कन्वर्जन एपीआई सेटअप करते हैं तो वो कैसे ट्रैक करता है, वो करता है आपके सर्वर से, वो डायरेक्ट सर्वर से करता है। इसलिए जो iOS 14 अपडेट वाली डिवाइसेस हैं उसे पता नहीं चलता और वो ब्लॉक भी नहीं कर सकता आपको। आपके अगर यूजर एंड्रॉइड यूजर है वो एंड्रॉइड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आते हैं तब तो आपको कोई जरूरत ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, पिक्सल्स भी आपके लिए इवेंट क्रिएट करके देगा, आपको प्रॉपर वो जानकारी देगा। लेकिन अगर कोई iOS 14 अपडेट वाला डिवाइस है जिसके पास, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो आपको ब्लॉक कर सकता है अगर आप पिक्सल्स के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो। लेकिन अगर कन्वर्जन एपीआई है आपने सेटअप कर रखा है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, आप आसानी से हर एक यूजर की जो इवेंट है उसे ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इवेंट को यानी कन्वर्जन एपीआई को सेटअप कर सकते हैं, यानी अब आप कन्वर्जन एपीआई की मदद से इस तरीके का इवेंट आप देखना चाहते हैं, ठीक है। यहां देख सकते हैं फेसबुक आपसे खुद कहता है अगर आपको अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज करना है या आप लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं अपने ऐड को, तो फिर आपको कन्वर्जन एपीआई जरूर सेटअप करना चाहिए, इससे आपके जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 30% तक कम हो जाता है। यहाँ देखिए सेटिंग अप द लेट्स यू सी हाउ पीपल इंटरैक्ट विद योर बिजनेस सो दैट यू कैन बेटर टारगेट योर एड्स एंड हेल्प रिड्यूस कॉस्ट, यानी आप अपने ऐड के यहाँ पर ऐड को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, आप अपने जो कॉस्ट पर रिजल्ट है उसको भी कम कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो कन्वर्जन एपीआई को। मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ इस कोर्स में किस तरीके से पिक्सल्स को सेटअप करेंगे, तीन ऑप्शन होते थे हमारे पास, एक पार्टनर इंटीग्रेशन होता था, एक मैनुअल कोड लगाते थे आप अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में, या फिर अगर आपका कोई पार्टनर इंटीग्रेशन में वेबसाइट नहीं है, आपको कोडिंग भी नहीं आती, तो फिर हम वहां पे इजीली प्लगइन्स के थ्रू वहां पर हमने अपनी वेबसाइट पर पिक्सल्स लगाया था। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से आप आ जाएंगे मेरे वेबसाइट के ऊपर, तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर मैंने पिक्सल्स लगा रखे हैं, यहां पर कोई भी इवेंट ट्रैक होता है यहां पर आप देख सकते हैं ये पिक्सल्स यहां पर ट्रैक कर रहा है। अब इसी तरह पिक्सल्स से आगे हम यहां पर कन्वर्जन एपीआई सेटअप करेंगे ताकि स्ट्रांगली हम वहां पर टारगेट कर सके, कोई भी यूजर हमसे बच ना पाए। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप एपीआई कन्वर्जन एपीआई सेटअप कर सकते हैं। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा, अगर नहीं तो आप यहां पे ओवरव्यू पे आएंगे तो यहां से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहां पर है पहले से मेरा पिक्सल सेटअप है, अब मैं चाहता हूं कि कन्वर्जन एपीआई सेटअप करना, तो आप यहां से सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से और नीचे आएंगे तो यहां देखिए आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप, यहां पे नेक्स्ट करना है, ये आपको बता रहा है कि ये कैसे वर्क करता है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक तो पार्टनर इंटीग्रेशन। फेसबुक ने क्या करा, बहुत सारे जो अलग अलग CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अलग अलग जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, चाहे वो Shopify हो या फिर जो अलग अलग जो पार्टनर इंटीग्रेशन, उसके साथ इन्होंने कनेक्शन कर रखा है कि अगर आपका वेबसाइट Shopify पे है, WordPress पे है, तो फिर आप यहाँ पे इजिली पार्टनर इंटीग्रेशन करके आपको पिक्सल आईडी की मदद से इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो मैनुअली भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैनुअल के लिए आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो इस कोड को आपको पेस्ट करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। अभी मैं देखिए यहाँ पे क्रिएट योर पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन, इंप्लीमेंट द कन्वर्जन एपीआई, डोंट फॉरगेट टू मॉनिटर योर इवेंट मैट्रिक्स,
हम इसके थ्रू भी यहाँ पे सेटअप नहीं करें, हम तो यहाँ से प्लगइन्स के थ्रू सेटअप करेंगे ताकि आपको भी अगर कोडिंग नहीं आती मेरी तरह तो आप भी इजिली प्लगइन्स के थ्रू यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में और यहाँ पे जाना है प्लगइन्स में, न्यू प्लगइन्स को आप यहाँ पे एक प्लगइन्स होते हैं उसे आपको ऐड न्यू करना है, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पे पिक्सल योर साइट, ये देख सकते हैं यहाँ पे योर स्मार्ट पिक्सल्स टैग है, आपको इसे इंस्टॉल करना है और इसे एक्टिवेट कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको सिंपली ये जो आपको आईडी दिख रही होगी इसको यहाँ पे लगाना है, इसके बाद और भी दो तीन ऑप्शन होते हैं उसे लगाते ही आपकी वेबसाइट पर कन्वर्जन एपीआई सेटअप हो जाएगा। इसे मैं एक्टिवेट कर लूंगा और यहां पर आपको पिक्सल योर साइट का एक यहाँ पे ये मिल जाएगा डैशबोर्ड यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे इसे सेटअप करना है, अब ये बहुत सारी चीजों में आपको मदद करता है, यहाँ देखिए मेटा कन्वर्जन एपीआई है, गूगल एनालिटिक्स है, बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करता है, तो मुझे यहाँ पर मेटा कन्वर्जन के लिए इसे यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक फॉर सेटिंग, इसे इनेबल कर लेना है, इसे इनेबल कन्वर्जन एपीआई और इनेबल एडवांस मैचिंग, ठीक है, डिफॉल्ट में ये ऑफ होते हैं, आप इसे ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है मेटा पिक्सल्स, आपको यहाँ पे मेटा पिक्सल्स डालना है, तो मैं यहाँ से जो पिक्सल्स है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और उसके बाद ये कह रहा है कन्वर्जन एपीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो कन्वर्जन एपीआई कभी भी सेटअप नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप आएंगे अपने इवेंट मैनेजर में और सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, देखिए सेटअप मैनुअली है, यहाँ पे एक कोड आपको दिखेगा, ठीक है, आपको ये वाला जो कोड है ये पेस्ट कर देना है वहां पे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ कन्वर्जन एपीआई, ठीक है, यहाँ सेटअप मैनुअली है, ये कोड है, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा और मैं क्या करूंगा इस कोड को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब आगे आना है आपको वेरीफाई योर डोमेन भी आपको यहाँ पे करने का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेटा पिक्सल की आईडी भी डाल दी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई का जो टोकन है वो भी मैंने डाल दिया। अब ये कहाँ पर मिलेगा, ये आपको इवेंट मैनेजर में आएंगे सेटिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक टोकन होता है यानी एक कोड होता है जो आपको प्लेस करना पड़ता है आपकी वेबसाइट के बैकएंड में। आगे फिर यहाँ पर टेस्ट इवेंट कोड पूछ रहा आपसे, यानी एक कोड है वो भी आपको यहाँ पे डालना है टेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे इसमें टेस्ट इवेंट में आएंगे और टेस्ट इवेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जब मैंने पिक्सल सेटअप कर रहा था तो वहां ये टेस्ट ब्राउजर इवेंट, यानी जब पिक्सल आप सेटअप करते हैं तो आपको जो डाटा मिलता है, आपको जो वहां पे डाटा ट्रैकिंग होती है वो इवेंट के थ्रू होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक कन्वर्जन एपीआई सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इवेंट होता है वो टेस्ट सर्वर इवेंट होता है, यानी सर्वर से आपको डाटा मिलता है, तो ये कोड होता है, मैं इसे कॉपी कर लूंगा और ये भी यहाँ पे मैं टेस्ट इवेंट कोड में डाल दूंगा। यहाँ पर देख रही आप, यहाँ तीन चीज डाल दी मैंने, पिक्सल आईडी, कन्वर्जन एपीआई का जो टोकन कोड है, उसके बाद टेस्ट इवेंट डाल दी। अब यहाँ पर आपको जो डोमेन है आपका, डोमेन जो वेरीफाई करा होगा आपने, अगर वेरीफाई नहीं है तो बिजनेस मैनेजर में जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसका भी टैग यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना डोमेन भी वेरीफाई कर लेते हैं, इसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर में जाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं से बिजनेस वाले सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। अब देखेंगे बिजनेस मैनेजर मेरा ओपन होगा और यहां से मैं अपना डोमेन वेरीफाई कर लेता हूं। ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, आपको डोमेन आना है यहां पे और यहां पे आपको ऐड करना है, आपको न्यू डोमेन क्रिएट करना है। आपका डोमेन का नाम क्या है, जैसे मेरा डोमेन का नाम है अफसर मार्केटिंग ड्यूड डॉट कॉम, ठीक है, आपको एक बार इसे अच्छे से चेक कर लेना है, अफसर मार्केटिंग ड्यूड डॉट कॉम मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अब यहां से आपको एक टैग मिलेगा, ठीक है, ये हमारा एड मेटा टैग टू योर एचटीएमएल सोर्स कोड, यहां से ये देख रहे हैं ये मुझे कोड मिल गया, ठीक है। अब मैं इस कोड को ले जाकर यहां पे डाल दूंगा, ये कोड हो गया, ये चार चीजें मैंने डाल दी। अब नीचे आना है आपको और सेटअप ऑल सेटिंग करना है, आपको सेव सेटिंग करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां से मेरा सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहां से जाता हूं और एक न्यू विंडो में ओपन करता हूं अपनी वेबसाइट को, यहां पे मैं कुछ टाइम स्पेंड करूंगा, यहां कुछ एक्टिविटी करूंगा ताकि मेरा जो इवेंट मैनेजर है वहां पर ये शो होने लगे, ठीक है, ये मेरा इवेंट मैनेजर है। मैं यहां से ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूं, देख सकता हूं कि क्या ये अभी से टेस्ट कर रहा है, यानी मेरा जो डाटा है वो फ्लो हो रहा है यानी मेरे इवेंट मैनेजर में, ठीक है।
यहाँ से मैं जाऊँगा थोड़ा सा अपने वेबसाइट पे, और यहाँ से मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ, मैं किसी भी बटन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मैं और वीडियोज़ ये वाले सेक्शंस यहाँ पे मैं अलग अलग एक्टिविटी करता हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने इवेंट मैनेजर में। अगर आप एडवांस लेवल पर फेसबुक को सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जेन्युइनली आप रिजल्ट लाना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, फेसबुक एड्स रन करके आप उनके ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर सीखना चाहिए। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं सीखते, सिंपल आप कैंपेन डिज़ाइन करना आता है आपको, तो फिर आप कभी भी रिजल्ट लेकर नहीं आ सकते, बड़े लेवल पर आप कभी वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर सीखना चाहिए। अब मैं पिक्सल्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि क्या जो इवेंट मैंने क्रिएट करा है वो यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी मेरे इवेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कन्वर्जन एपीआई अभी सेटअप नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बिजनेस मैनेजर में ये जो मेरा डोमेन है अफसर मार्केटिंग डूट, यानी ये जो वेबसाइट है इसका जो डोमेन है ये यहाँ से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है बिजनेस मैनेजर में इसे वेरीफाई होने के लिए। एक बार जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो ये मेरे डाटा को ट्रैक भी करने लगेगा। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं कि मेरे वेबसाइट पर आईफोन यूजर आ रहे हैं या फिर एंड्रॉयड यूजर आ रहे हैं। एंड्रॉयड यूजर आ रहे हैं तो पिक्सल उसे ट्रैक कर लेगा। अगर वो आईफोन यूजर है, उसके फोन में उसके डिवाइस में iOS 14 अपडेट है, फिर भी मैं उसके डाटा को ट्रैक कर सकता हूं। और वो ट्रैक कैसे होगा, अगर आप यहां पे आएंगे अपने इवेंट मैनेजर में, तो यहां अभी जो आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो आपको दिख रहा है, ये जो पेज व्यू हो रहे हैं अभी, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राउजर से हो रहा है, यहीं पर आपको सर्वर वाला भी दिख जाएगा, यानी इसका डुप्लीकेशन होगा, एक होगा वहां पर कोई एक्टिविटी और उस एक्टिविटी को API कन्वर्जन वो भी इसे ट्रैक करेगा और पिक्सल्स भी सेटअप वहाँ पे उसे ट्रैक करेगा, तो आपको इसका डुप्लीकेशन दिख जाएगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे आईफोन यूजर है तो उसका जो यहाँ पर आपको दिखेगा इवेंट, उसको सर्वर से दिखेगा, यहाँ पे ब्राउजर की जगह आपको सर्वर लिखा हुआ मिलेगा। यानी आपको आप समझ जाना है कि मेरा जो यहाँ पे ट्रैकिंग हो रही है वो ब्राउजर के थ्रू भी हो रही है और सर्वर के थ्रू भी हो रही है। इसी तरह अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट को बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल करके आप सीखना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 600 से ज़्यादा वीडियोज़ क्रिएट करे हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और सारे वीडियोज़ प्रैक्टिकल हैं, हिंदी लैंग्वेज में हैं। अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक के ऊपर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ये सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के यहां से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और इसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं और अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।